हाँ, अपना चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय इसके साथ में ये चैप्टर का नाम। इसमें आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। पहले अपन लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? अपने को मालूम है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है, जिनको प्लांट्स को ये बहुत आवश्यक होती है, नाइट्रोजन नेसेसरी होती है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए। लेकिन इतनी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ये प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। इसका जो कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड, उसको वो यूज कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन उसी के ऊपर डिपेंड है, उसी की डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन है कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो कन्वर्ट करना यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो क्या इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अपना ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में नाइट्रोजन साइकिल, ये जो मैंने बनाया हुआ है वो नाइट्रोजन साइकिल है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। तो देखो, वो नाइट्रोजन साइकिल में ये अपने को बता रहा है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वो कैसे कन्वर्ट होती है यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में, और इसको प्लांट कैसे यूज़ करते हैं, और फिर प्लांट के यूज़ करने के बाद उसका क्या होता है, वो इसमें बताया है। स्टार्ट होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कैसे चेंज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया होती है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, यानी चेंज करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद में बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में चले जाते हैं। नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो सॉइल में चला जाता है, और इसको कौन ले लेता है? टेक बाय प्लांट्स। सॉइल से प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेता है, और प्लांट को एनिमल्स ईट करता है। प्लांट को एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं जिसमें, तो इन प्लांट को एनिमल्स खा जाते हैं। और फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन, एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रिएशन होता है, यूरिन वगैरह जिसे अपन कहते हैं, वो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आता है बाहर, यानी उस वेस्ट में नाइट्रोजन होता है। और या फिर एनिमल जो डेथ हो जाती है एनिमल की, एनिमल जब मर जाता है उसके बाद में ये आ जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इस तरह से भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो सॉइल में आ जाते हैं, और फिर ये सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उनको गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में, यानी गैस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। एक तो ये साइकिल चलता है। वापस देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये जो बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। फिर नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट से एनिमल, प्लांट को एनिमल खा लेते हैं, और फिर ये एनिमल से जब एनिमल एक्सक्रिएशन करता है उससे, और जब एनिमल की डेथ हो जाती है उससे, ये वापस सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल से कुछ बैक्टीरिया जो है इसको गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और इस तरह से ये वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। एक साइकिल तो ये चली है। दूसरी साइकिल होती है कि लाइटनिंग से, लाइटनिंग का मतलब जब अपने बिजली चमकती है बरसात के समय, जब लाइटनिंग होती है तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है, जो सॉइल में आ जाती है। सॉइल में वापस ये प्लांट टेक लेते हैं, प्लांट टेक करते हैं, खाते हैं, प्लांट बनाते हैं, ले लेते हैं, और एनिमल्स उसको, प्लांट्स को खाते हैं, और फिर वही प्रोसेस वापस चलती है। तो दो तरह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, एक तो बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे एग्जांपल है राइजोबियम, दूसरा लाइटनिंग के द्वारा, बाकी सारी प्रोसेस तो वैसे ही चलती है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू।